Hi everyone, today is our 19th revision for UGC NTA NET and आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर्स के बारे में कि कंप्यूटर्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसा पैटर्न आएगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज फाइव क्वेश्चंस. सो कंप्यूटर्स में मोस्टली डेफिनेशंस आती हैं या फिर कुछ एब्रीवेशंस आते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड देर आर सम स्पेसिफिक टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आएंगे. सो वी विल बी डिस्कसिंग फाइव क्वेश्चंस टुडे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर यू फ्रॉम कंप्यूटर्स. एंड डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पर हम डेली मॉक टेस्ट लेते हैं टू स्लॉट्स में एट 11 AM एंड 4 PM, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द रिविजन. लेट्स सी द क्वेश्चंस नाउ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स टेक्स्ट साउंड वीडियो एंड एनिमेशन इज कॉल्ड. अब यहाँ जैसे कि हमने आपको बताया है कंप्यूटर्स में मोस्टली डेफिनेशंस बहुत आती हैं, कंप्यूटर्स में मोस्टली एब्रीवेशन से क्वेश्चन बहुत आते हैं. सो ये दो तरीकों से क्वेश्चन वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेंगे इन योर UGC NTA नेट एग्जाम. और यहाँ क्वेश्चन कैसे आया है, डेफिनेशन से. सो यहाँ डेफिनेशन दी है कि इन्फॉर्मेशन जो है कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स जो होता है, टेक्स्ट साउंड वीडियो जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है. और हमें क्या दिया है यहाँ एग्जांपल्स में, मल्टी प्रोग्राम, मल्टी फेसेट, मल्टी मीडिया, मल्टी प्रोसेसर्स. अगर हम इन चारों के मीनिंग्स देखें तो उनसे इनका पता लगाया जा सकता है कि आंसर क्या होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न ऑल द डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड ईमेल्स. तो यहाँ अगर सारी ये डेफिनेशंस देखी जाए, मल्टी प्रोग्राम मींस सेवरल प्रोग्राम्स रन टुगेदर, दैट इज़ पैरेलल वे में. अगर पैरेलल वे में सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्राम. देन कम्स मल्टी फेसेट. मल्टी फेसेट क्या होता है, हैविंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स, किसी चीज़ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होना. मल्टी प्रोसेस क्या होता है, हैविंग मोर देन वन प्रोसेसर, जहाँ पर एक प्रोसेसर से ज़्यादा प्रोसेसर्स हों उसको क्या बोलेंगे, मल्टी प्रोसेस. और यहाँ पर जो मल्टी मीडिया है दैट मीन्स दिस, इसका मीनिंग होता है ये डेफिनेशन. तो ये डेफिनेशन का मीनिंग क्या हुआ, मल्टी मीडिया. सो मल्टी मीडिया इज़ द वन विच इज़ नोन फॉर information, a combination of graphics, text, sound, video and animations. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीमीडिया. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट Web 2.0. हमेशा याद रखिए इंटरनेट पढ़ना बहुत ज़रूरी है एंड इंटरनेट से रिलेटेड सारी चीज़ें एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है लाइक वेब के बारे में, ब्राउज़र्स के बारे में एंड IP एड्रेस के बारे में. तो ये तीन चीज़ों को पढ़ के एग्ज़ाम में ज़रूर जाना है. वन इज़ IP एड्रेस, देन ब्राउज़र, देन वेब के बारे में अच्छे से जितना भी नेटवर्क था ढंग से पढ़ना है. तो यहाँ क्वेश्चन आया है Web 2.0 के बारे में कि कौन सा उनका डेफिनेशन सही है. सो लेट्स सी द डेफिनेशंस. मल्टीपल यूजर्स शेड्यूल देयर नेम टू यूज़ Web 2.0 एप्लीकेशन वन बाय वन. मल्टीपल यूजर्स शेड्यूल करते हैं देयर टाइम टू यूज़ Web 2.0 एप्लीकेशन. सेकेंड इज Web 2.0 एप्लीकेशन आर फोकस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ फॉर पीपल टू कोलैबोरेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन. तो ये कुछ बेटर लग रहा है डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक. देन आता है Web 2.0 applications provide users with content rather than facilitating users to create. ये तो गलत है, ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर सिर्फ आपको सिर्फ content मिलेगा, आप उसे create भी कर सकते हो, आप उसको use भी कर सकते हो. Web 2.0 applications use only static pages. ये भी गलत है, यहाँ पर हमने आपको example भी दिया है. Web 1 was static, not Web 2.0. Web 1 का ये characteristic था जहाँ पर उनको static माना जाता था. Web 2.0 को हमेशा dynamic version माना गया है क्योंकि ये latest आया है, ये जो वर्जन है ये अपडेट होके आया है. सो इट कांट बी स्टैटिक. सो यहाँ अगर देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड वाला. Web 2.0 एप्लीकेशंस आर फोकस ऑन द एबिलिटी ऑफ पीपल टू कोलैबोरेट विद ईच अदर एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. तो नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्टैटिक इन्फॉर्मेशन. द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इन अ पब्लिकेशन टुगेदर विद वेरिएबल इन्फॉर्मेशन इन अ डेटा सोर्स टू क्रिएट वन मर्ज्ड पब्लिकेशन. देखिए हमेशा जो भी डेफिनेशन पूछी जाए उनके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जिनसे यू कैन गेट दी आंसर, वो ज़रूर अंडरलाइन करिए बिकॉज वहाँ से आंसर पता चल जाता है. तो यहाँ क्या पूछा गया है, जो प्रोसेस है जहाँ पर कंबाइन होती है स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, जहाँ कंबाइन होती है स्टैटिक इन्फॉर्मेशन एक साथ टुगेदर विद वेरिएबल इन्फॉर्मेशन इन अ डेटा. अब यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, मर्ज्ड पब्लिकेशन, इसको मर्ज्ड किया जाता है. सो ये डेफिनेशन जो पूछी गई है, अब इसके ऑप्शंस देखते हैं.
First is इलेक्ट्रॉनिक मेल, देन डेटा सोर्सिंग, देन मेल मर्ज, देन स्पाम मेल. तो यहाँ देखा जाए फर्स्ट वाले की डेफिनेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेज. कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेज को एक्सचेंज करना, तो ये हो नहीं सकता. सेकेंड है डेटा सोर्सिंग. डेटा सोर्सिंग का मीनिंग क्या है, वन डेटा इज बींग यूज कम फ्रॉम, तो ये भी नहीं हो सकता. फोर्थ वन क्या है, स्पैम मेल. स्पैम मेल क्या होता है, ये हम सब जानते हैं, इट इज़ अ जंक मेल, अनसॉलिसिटेटेड मैसेजेस. तो आंसर हमारा क्या हुआ, मेल मर्ज. देखिए मर्ज पब्लिकेशन और मेल मर्ज कुछ कुछ सिमिलर भी लग रहा है, सो कुछ कुछ क्वेश्चन में कॉमन सेंस में यूज़ किया जा सकता है, कि वहाँ पर जो एलिमिनेशन मेथड है उसको भी यूज़ किया जा सकता है, कि मेल मर्ज जो है इससे कितना मैच हो रहा है, नेम से मैच हो जा रहा है. सो यू हैव टू सी थिंग्स वेरी केयरफुली, इनको बहुत कीन वे में देखना है, कि कभी कभी जो डेफिनेशन होती है और जो एक उनका टर्म यूज होता है दे एक्चुअली मैच. सो यू हैव टू सी थिंग्स इन सच स्ट्रैटेजी ऑल्सो. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन यूज फॉर वीडियोज. इस अब यहाँ पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक्सटेंशन यूज करा जाता है वीडियोज के लिए. ऑप्शन क्या क्या है, MP3, XLS, PEG, JPG. तो यहाँ अगर देखा जाए ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट एंड ईजी है. आजकल वीडियोस का हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है एंड दीज थिंग्स आर वेरी फेमस. सो JPG जो है हम व्हाट्सएप पे, जितनी भी आजकल सोशल मीडिया की साइट्स हैं, बहुत देखते हैं, ये बहुत लिखा भी आता है, तो ये पता होना बहुत ही नेचुरल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए. देन फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स वर द मोस्ट हैवी एंड बल्की. ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है एंड इसका आंसर मुझे आप देंगे. इसके हिंट मैं आपको दे देती हूँ, कंप्यूटर जितना पुराना होगा जितना ही वो स्टैटिक होगा, दैट मीन्स जितना उसका वर्जन पुराना होगा, जितनी जनरेशन पुरानी होगी वो उतना ही बल्की होगा. फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे वी हैव मिनी लैपटॉप्स, वी हैव मैकबुक्स जो कि ऐसे होते हैं छोटे से, आपके बैग्स में आ जाते हैं आपके पास. तो आपको बताना है कि कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर मोस्ट हैवी एंड बल्की हो सकता है, हमारे कमेंट सेक्शन में. सो दिस वॉज अबाउट कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स में ऐसे क्वेश्चन इन्हीं पैटर्न में आपके एग्जाम में आएंगे, जहाँ पर डेफिनेशंस पूछी जाती हैं या फिर वीडियोज़ के बारे में, और दे विल आस्क यू अबाउट नेटवर्क्स इन्फॉर्मेशन, कुछ एब्रीवेशन के बारे में पूछ सकते हैं, कुछ साइट के नेम के बारे में पूछ सकते हैं, .com, .net, .government. तो ये पढ़ के ज़रूर जाना है फॉर योर कंप्यूटर्स. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप. And also to know about courses, to know about the exams, you can always see the link jo aapki screen mein right side hai. Thank you for watching the video. Subscribe to our channel and press the bell icon.